तो जी हाँ, आज हम मौजूद हैं दो प्याजा जो कि मौजूद है कंटोनमेंट मार्केट बहावलपुर में, एसएस रोड बहावलपुर के बिल्कुल साथ। तो आज जो स्पेशली हम इस सर्दी के मौसम में खाने आए थे वो आज की यहाँ की इनकी स्पेशलिटी थी, और वो थी इनकी न्यूली जो है स्पेशलिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या थी मुइज भाई? बीफ पाई थे। जो इस वक्त मौजूद है कंटोनमेंट मार्केट में मौजूद दो प्याजा जो कि अपने रवायती खानों के लिए मशहूर है, और इनके तवे पे बनी हुई तमाम तर चीज़ें जो कि हैं वो बहुत ही मशहूर और लजीज और मसालेदार होती हैं। आज जो है हम एक नई चीज़ को टेस्ट करने आए थे, और सर्दी के ठंडे मौसम में जहाँ मछली जो कि सर्दी की सर्दाहट को कम करती है, वहीं उसके साथ एक और चीज़ है जो कि मज़ेदार तो होती ही होती है लेकिन उसकी जो ताज़गी है इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। जी हाँ, वो बिल्कुल बीफ पाए इन्होंने बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस करवाए थे, वो हम यहाँ खाने आए थे, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि वो हमारे आने से पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। तो मुइज़ भाई, ये है हमारे मुइज़ भाई, और मुइज़ भाई जो है बड़े ही मुशक्क़त के साथ यहाँ पहुँचे थे, लेकिन बीफ पाए जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो रहन दो फिर। ये है इनकी वो स्पेशलिटीज़ दो प्याज़ा की जो इन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस करवाई हैं, बीफ पाए, मटन तवा कीमा और बीफ कबाब मसाला। तो मुइज़ भाई, क्या ऑर्डर किया है आज आपने? सर, हमने ब्रेन मीन मगज ऑर्डर किया है। मतलब बकरे का मगज आपने? तो क्या वजह आप में, क्योंकि कमी थी दिमाग की? कमी थी ना। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मैंने के लिए आया हूँ और मैं वो मगज खाने लगा हूँ बकरे का, और उसके बाद मैंने किया है मटन कीमा, वो भी बहुत बेहतरीन है। आज हमने मटन पार्टी की है और अभी हम खाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे और आप भी लुत्फ़अंदोज़ होना। अच्छा, वो जरा अभी एक वो डिस्टर्बेंस ही आ रही थी 200 रुपए का, क्या वो शमशी अगर 200 देगा ठीक है, नहीं तो मैं 200 दिए बगैर चला जाऊंगा, वो जाने होटल वाले जाने, जो मर्जी शमशी की वो ले। क्या मतलब, क्या समझ रहे हो ना शुरू करते एम्बियंस जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिंधी अजरक की इनकी रेनोवेशन है, और जिस तरह से इसको डेकोर किया गया है बहुत ही रवायती अंदाज में, और छोटा सा सिटिंग प्लान है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें, ये मेरे बहुत ही हसीन और जमील दोस्त इस वक्त अपने खाने के इंतजार में। रात की सर्दी के मौसम में इस तरह की लाइव कुकिंग हो रही है, और तवे पर जब आपके सामने आपकी मज़ेदार डिशेज को बनाया जा रहा हो तो उसका मज़ा जो है वो मज़ीद दुबाला हो जाता है। और
इट्स अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड इन अ वेरी सिंपल वे, और किस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यकीनन चपातियां होंगी जो कि तवे की उल्टी साइड पर रख के बनाई जाती हैं और बहुत ही खस्ता और लजीज होती हैं, जो कि मुंह में रखते ही बिल्कुल घुल जाती हैं, और यकीनन ये वही हैं जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मुझे भाई ये क्या है, ये है हमारा तवा बीफ कीमा जो कि क्रीम के साथ बना हुआ है, और इसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही दिखने में मज़े का है। मज़े ही है कि अभी हम टेस्ट करेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे कि ये किस तरह का होगा। और अब हम आते हैं अपने आज की मेन कोर्स की तरफ, ब्रेन, जिसमें कि हम सबको कमी है और यकीनन आपको भी होगी। तो जी हाँ, ये है ब्रेन, बकरे का ब्रेन है। ब्रेन मसाला के नाम से ये डिश जो है यहाँ पे पाई जाती है और वेरी इकोनॉमिकल है, तो आप जब कभी भी इसको विजिट करेंगे आपको होपफुली ये है कि अपने जो टेस्ट में है वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। होप फॉर द बेस्ट। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और देन हम आपको बताएंगे कि किस तरह का। हेलो गाइस, A few hours later. So finally we have done with the most delicious dinner of tonight. और अब जो है कार्विंग हो रही है हमें सूप की, मटन यखनी की। और जी हाँ, सबसे मजे की और खुशखबरी की बात यह है कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड द कॉल कि मेरे कुछ हर दिल अजीज दोस्त हैं वो आ रहे हैं और उन्होंने मुझे ऑफर करवाई है सूप की। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि सूप हमने किस तरह से पिया है और कहाँ से पिया है, तो उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो को जो है इंतजार करना होगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड।